अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ऑनवर्ड कोशिश करूंगा कि सारे सवाल आज ही आपको क्या कर दूँ, सॉल्व करवा दूँ। तो मेरे पास लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट 1, 2, 2, 3। एंड मेरे पास क्या है बेटा, एक हैविंग अ सेंटर का एक इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, ये हैविंग अ सेंटर है। एक तरह समझे, एक तरह का हमारे पास सर्किल है, उसके दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट गिवन है 1, 2, ठीक है, दूसरा पॉइंट गिवन है 2, 3, ठीक है। और जो सेंटर की जो इक्वेशन दी हुई, वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई प्लस सी। लेकिन मुझे मालूम होता है कि सेंटर मेरे पास माइनस जी और माइनस एफ भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिख लेना है। क्या लिख लेना है, जनरल इक्वेशन। एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है, अगर मेरे पास टू पॉइंट से ज़्यादा होती है तो हम क्या लिखते हैं, जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं सर्किल का। तो ये आपने इससे पहले भी सॉल्व किया था, अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या होता था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल इक्वेशन जिसको हमें लेकर के चलना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो याद रखना, और उसके जो सेंटर की जो इक्वेशन दी हुई वो ये डी वी है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने याद कर दिया, लिख करके दिखा दिया है। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के आइकन क्लिक नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल के आइकन क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह के वीडियोज आप तक मिल सके। क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोज को देख सकते हो और उससे पेपर्स की तैयारी कर सकते हो। बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट पेपर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है ना हमारे पास, 1, 2 और 2, 3 बेटा। इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। तो लिखता हूँ 1, 2 लिखता हूँ, मतलब x की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 और y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2। इसके अंदर पुट करके देखते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस y की जगह क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, g की जगह क्या आएगा जी ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2 लिखूंगा f की जगह f ही होगा, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 से क्या होता है बेटा 4, 2 से क्या होता है 2g हो जाता है, ठीक है, और 2 से क्या हो जाता है 4f हो जाता है, और प्लस c इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे पास 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, इसको प्लस कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2g प्लस 4f हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो यही टर्म मैंने क्या कर दिया, लिख करके आपको दिखा दिया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यहीं तक सॉल्व हो सकता था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहीं तक ही सॉल्व करा और इसके आगे मैं कुछ और लिख नहीं सका। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इसी तरह से लिख दिया। और अब क्या करना होगा, अब मुझे आगे चलना होगा और इसके आगे वाले पार्ट को भी सॉल्व करना होगा। बेटा आगे वाला पार्ट मेरे पास क्या है, 2, 3। तो मैं क्या लिखूंगा 2, 3, मैं इसकी वैल्यू को पुट लेता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। तो इसी वाले इक्वेशन में पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2gx होता है, तो मतलब 2 लिखूंगा g लिखूंगा और 2 आ जाएगा दोबारा से, फिर 2fy होता है, y की वैल्यू क्या बेटा 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो सिंपल से आसान से 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा बेटा 4g हो जाएगा, प्लस 2 से क्या हो जाएगा 6f हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। 9 प्लस 4 किसके बराबर होता है, अगर 9 में प्लस कर दूंगा 4 तो जाहिर सी बात है 13 हो जाएगा ना, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस का c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3rd इक्वेशन हो गया। सवाल के अंदर लिखा हुआ था मेरे पास हैविंग अ सेंटर, सेंटर क्या दिया हुआ बेटा x माइनस वाई प्लस 1, और ये इसका सेंटर क्या होता है g माइनस एफ, ठीक है। तो एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि अगर मुझे सेंटर मालूम करना है तो किसके बराबर होता है बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ के, ठीक है। इसको पास कर दूंगा किस इक्वेशन से,
जो मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस का 1। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से मैं इसे क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। तो मतलब x वाली की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का g आ जाएगा, तो मैं माइनस का g लिख दूंगा। ये माइनस का निशान, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का f आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सेंटर मेरे पास ये होता है, तो माइनस जी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, एफ प्लस का 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 3 देखो और इक्वेशन नंबर 4 देखो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दूं इक्वेशन नंबर 3 के साथ, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दूं इक्वेशन नंबर 3 के साथ, तो बेटा यही टर्म के साथ यही टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास एक ऐसी टर्म आ जाएगी जिसके अंदर सी मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, मुझे जी की निकालनी है, मुझे एफ की निकालनी है और मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्टिंग लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह की सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों इक्वेशंस को मुझे लिखना होगा क्योंकि मेरे पास सामने होना चाहिए ये। तो क्या लिखा हुआ, 5 + 2g + 4f + 3। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 + 2g + 4f + c। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म में लिखा हुआ बेटा 13+, यहाँ पे लिखूंगा 13+4g + 6f + c = 0। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, मैंने वही वाली टर्म लिखी है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको क्या करूँगा, अब सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो ना, माइनस 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 एंड माइनस, यही टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अगर मैं 13 में से 15 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, ज़रा देख के बता दो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 13 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास माइनस में आएगी वैल्यू, और माइनस का क्या होगा, मेरे पास होगा 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब माइनस का क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, और बेटा ये प्लस का 2 माइनस का 4 में से 2 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 2g बचेगा। ठीक है, ये 6 है माइनस का, ऊपर प्लस का 4 है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, माइनस का ही 2f बचेगा। ठीक है, ये टर्म कट जाएगी और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब में से बेटा अगर 2 को कॉमन निकालना चाहते हो तो 2 को कॉमन निकाल सकते हो, माइनस के 2 को, तो माइनस के 2 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 4 बच जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 से माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, जी बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा, एफ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया, ये माइनस टू यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 4 + g + f = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया, तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मेरे पास यहाँ पे माइनस में जी, इन दोनों को अगर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करवा लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जी कट जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर, क्या लिखता हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, तो किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये याद रखना, 4 एंड 5। मैं 4 5 को क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, पहले मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद जी लिखता हूँ, और उसके बाद एफ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने पहले क्या लिख देता हूँ, 1 लिख दिया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे जी लिखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ वाला ही जी लिखूंगा। ठीक है, तो वहाँ जी में क्या है बेटा, यहाँ पे जी मेरे पास नेगेटिव में, ठीक है, तो मैं नेगेटिव में जी लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का क्या हो जाएगा, जी, और प्लस का क्या था बेटा, एफ, तो मैं प्लस का एफ ही लिख दूंगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस का ही एफ था। ठीक है, प्लस का एफ हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। यल इक्वेशन को लिख देता हूँ, 4 + g + f = 0। बेटा ऐड करवा तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस जी प्लस जी कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 + 2f हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, ये उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2f की वैल्यू आ जाएगी बेटा, माइनस का 5, डिवाइड कर दोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। तो मेरे पास f की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट होकर के आ गई। ठीक है, अब क्या करना होगा, माइनस का 5/2 से तुम कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो g की। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देता हूँ f की जगह 5/2, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, g की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो लिखता हूँ पुटिंग f बराबर है किसके बेटा, -5/2 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर देता हूँ, बल्कि इक्वेशन नंबर
चलो फोर में फाइव में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर देता हूँ, तो फोर आ जाएगा प्लस का बेटा जी हो जाएगा, ठीक है, प्लस का एफ, एफ की जगह क्या आ जाएगा माइनस का फाइव अपॉन टू, ठीक है, तो माइनस का फाइव अपॉन टू हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास फोर हो जाएगा बेटा, प्लस का जी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का फाइव अपॉन टू हो जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के मैं काम करता हूँ, माइनस का फाइव अपॉन टू इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ और फोर को भी उधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो जी की वैल्यू खुद ही आ जाएगी, माइनस से तो वहाँ प्लस का फाइव अपॉन टू हो जाएगा, ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा माइनस का फोर हो जाएगा, ठीक है, टू फोर का क्या हो जाएगा मेरे पास एट हो जाएगा, ठीक है, तो फाइव अपॉन टू माइनस का क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, टू फोर जा एट होगा, टू वन फोर जा एट हो जाएगा, फाइव माइनस एट, तो बेटा एट में से अगर फाइव जाएगा तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का थ्री अपॉन टू, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जी की वैल्यू भी फाइंड आउट होकर के आ गई माइनस का थ्री अपॉन टू, और बेटा एफ की वैल्यू भी आ गई माइनस का फाइव अपॉन टू, तो बेटा जी और एफ की वैल्यू निकल गई, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा किसकी वैल्यू, अब हमें फाइंड आउट करना होगा सी की वैल्यू, ठीक है, अब सी की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है जहाँ पे सी लिखा हुआ होगा, तो मुझे देखना होगा सी मेरे पास कहाँ मौजूद है, बेटा सी मेरे पास इक्वेशन नंबर टू के अंदर मौजूद है, अगर मैं जी की जगह जी की वैल्यू लिख दूँ, एफ की जगह एफ की वैल्यू लिख दूँ, तो सी की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल करके आ जाएगी, ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट करूँगा जी और एफ की वैल्यू, तो यहाँ लिखता हूँ पुटिंग, क्या लिखता हूँ पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या थी बेटा माइनस का फाइव अपॉन टू, एंड बेटा जी की जो वैल्यू है वो क्या थी माइनस का थ्री अपॉन टू, ठीक है, तो दोनों वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दिया है, कहाँ पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर टू के अंदर, इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या है बेटा टू, उसके अंदर इसको पुट कर देना है, तो इक्वेशन नंबर टू क्या लिखा हुआ है फाइव प्लस टू जी प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या लिखूंगा फाइव लिखूंगा प्लस लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है टू जी, तो टू लिखूंगा, मैंने टू लिख दिया, जी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का थ्री अपॉन टू, ठीक है ना, मैंने इस तरह से सो लिख दिया, प्लस का निशान लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा है बेटा फोर लिखा हुआ है, तो फोर लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास एफ की वैल्यू आएगी, तो एफ की वैल्यू क्या है बेटा एफ ये है ना माइनस का फाइव अपॉन टू, ठीक है, आ जाएगा माइनस का फाइव अपॉन टू, और प्लस का क्या आ जाएगा सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्लस का सी था और इक्वल टू जीरो, तो लिख दिया, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, और टू वन जा टू, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो फाइव प्लस माइनस माइनस का थ्री, टू फाइव जा टेन, तो माइनस का टेन हो जाएगा, प्लस का सी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली देखो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हैं, लेकिन कोई मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जा रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये माइनस का क्या हो रहा है बेटा एट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 13 हो जाएगा और 13 में से अगर 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 आएगा, ठीक है, प्लस का सी इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, जब मेरे पास एफ की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन 2 आ जाए, जी की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू आ जाए और सी की वैल्यू 8 आ जाए, इसको पुट किस में कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे और मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे उठ रहेगा, जी की जगह क्या ले दूंगा जो वैल्यू होगी, y की जगह जो वैल्यू एफ की वैल्यू जगह जो वैल्यू होगी वो लिख दूंगा, c की जगह जो वैल्यू होगी वो लिख दूंगा, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू क्या है माइनस का 3 अपॉन 2x, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर क्या होता है 2f होता है, f की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 5 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा y हो जाता है और प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 5y और प्लस का 8 इक्वल टू 0, मैं एक बार बुक में मैच कर लेता हूँ कि सवाल का जवाब यही आ रहा है, जी बिल्कुल हमारा बिल्कुल आंसर सही आया, हमें यही इक्वेशन मालूम करना था और हमने उसे सॉल्व आउट भी कर लिया, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन अदरवाइज ये कुछ इस तरीके से क्या होगा सॉल्व होगा, जो कि आपको क्या हो रहा है नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया, चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया और इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल व्हिच द वर्टिसेस आर, ये एक सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ट्राइंगल इस तरीके से होता है, उसके ऊपर से उसके हर वर्टिसेस एक ट्राइंगल सर्कल का टच करना उसे क्या कहते हैं सर्कम सर्कल कहते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी और ये सी, और इन सब की वैल्यू क्या है बेटा 1, -2 है पहले की, दूसरे की वैल्यू क्या है -5, -2 है, और तीसरे की वैल्यू क्या है बेटा
3.4 है, ठीक है। तो ये वर्टिसेस की मैंने वैल्यू अपने हिसाब से लिख दिया, आप भी लिख सकते हो, लेकिन जो वैल्यू ऊपर गिवन होगी वही लिखोगे, 1, -2, -5.2 और 3.4, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, लेट कर लेना होगा, लेट ए 1, -2, उसके बाद देखो कॉमा बी -5.2 एंड सी जिसकी वैल्यू क्या है 3.4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये वर्टिसेस है किसका, ट्राइंगल का, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल है ना, दैट इज की वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। और हमारे पास मालूम है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, मेरे पास क्या होता है बेटा, तो यहीं पर लिख देता हूँ जनरल इक्वेशन, मेरे पास क्या होता है सर्किल का, आपको पता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 2fy हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना है तीनों पॉइंट्स को एक एक करके इसके अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद फिर से जी एफ और सी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ जो मेरे पास पहला पॉइंट है, मेरे पास क्या है बेटा 1, -2, तो क्या लिखता हूँ 1, -2, तो मेरे पास क्या होगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -2 हो जाएगी, कहाँ पुट करना होगा, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 2g वैसे लिखा जाएगा, x की जगह बेटा 1 लिखा जाएगा प्लस 2fy की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा माइनस का 2 लिखा जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से क्या हो जाएगा 4, 2 से क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस 4 5 के बराबर होता है, ये 2g माइनस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, अब सेकंड जो पॉइंट है -5.2 लिखूंगा, माइनस का 5.2 पुट कर रहा हूँ, जिसमें से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 यही है। तो -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2g माइनस का 5 प्लस 2f और 2 लिखा हुआ था 2 लिख दूंगा, प्लस का c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों को मैं आपके सामने लिखते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही काम हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, तो इसको हम बार बार करने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है ना, मैं तभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि वीडियोस में लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यू चैनल है और इस चैनल में आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना लाइक करोगे जितना सब्सक्राइब करोगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर 50 लाइक बढ़ा दो, ठीक है, अगर आप 50 लाइक करवा देते तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। चले आ जाना, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 4 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2, 10, 2, 5 का कितना होता है 2, 5 से 10, तो 10g हो जाएगा, और प्लस 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 ही होगा, 2, 2 से क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा 25 प्लस 4 किसके बराबर होता है मेरे पास 29 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 29 लिख दूंगा, ठीक है। तो 29 माइनस का 10g प्लस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आई थिंक सो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट जो था, लास्ट पॉइंट था, वो क्या था 3.4, तो 3.4 को पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो याद है मुझे 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2f, वाई की वैल्यू क्या है 4 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3, 3 ज़ा 9, 4, 4 ज़ा 16, 2, 3 ज़ा 6g, 2, 4 ज़ा 8, ठीक है। तो प्लस का क्या आ जाएगा 8f, और प्लस का c इक्वल टू 0, 16 प्लस 9, 25 प्लस 6g प्लस का 8f प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा 4। तो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 से तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है और g की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर
इस वाले को इक्वेशन नंबर टू को सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन नंबर थ्री के साथ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर देता हूँ, इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन टू, तो लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख कर ही लिखना है मुझे, तो मैं देख करके लिख देता हूँ। टू मेरे पास लिखा हुआ बेटा 5 + 2g। ठीक है, 5 + क्या लिखा हुआ है और कहाँ, ये रहा 5 + 2g माइनस का 4f + c, माइनस का 4f + का c इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर टू था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर थ्री क्या है बेटा, 29 - 10g + 4f + c, तो क्या लिख दूंगा, 29 के बाद क्या था, माइनस का 10 है। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10g हो जाएगा, प्लस का 4f हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे मैं इन दोनों को प्लस भी करवाता ना इक्वेशन को, तो ये 4f कट जाता तो मेरे पास एक इक्वेशन बच जाती। खैर अभी देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं सॉल्व क्या होता है। सब्ट्रैक कर रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। 29 में से 5 को अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 29 है ना, 524 बचेगा। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, माइनस का क्या बच जाएगा, 24। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, माइनस का 24 हो गया, यहाँ पे क्या बचे मेरे, 10 में से प्लस होगा तो प्लस 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 हो जा रहा है, तो मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 12g, ये भी माइनस माइनस प्लस ही होना है, 8f हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये मैं ट्रम आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इसको मैं कॉमन ले लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ, माइनस का 4 को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 की टेबल कितनी बनूंगा कि मेरे पास 24 हो जाए, 4 6 24। ठीक है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 12 आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस का 3g आएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 4 2 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये जाकर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 6 - 3g प्लस का 2f इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कहाँ तक बन गया था, 4 तक बन गया था, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 तो आ गया, अब क्या करना होगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करके सेकंड वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। तो मैंने लास्ट टाइम किसको सब्ट्रैक्ट किया था, इसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को किया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 एंड 4 को भी एक दूसरे से क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सी से सी कट जाएगा और कुछ ना कुछ एक वैल्यू बन करके आएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 तो यही होगा 29 वाला, तो लिख देना 29 - 10g और प्लस का 4f और प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरा जो फोर्थ वाली टर्म होगी उसको लिख देना 25 + 6g, तो क्या लिखूंगा, 25 + 6g, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस का 8f, तो प्लस का 8f और प्लस का c, तो क्या आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ पे एक जरा से भी गलती आपके पूरे सवाल को क्या कर सकता है, गलत कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 29 में से 25 जा रहा है तो मेरे पास बचेगा 4 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, सिर्फ 4 लिख दूंगा, प्लस का 4 लिखेगा, प्लस का निशान ऊपर है, ये माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 16g हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 4, तो माइनस माइनस का क्या बचेगा, 4f और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, तो 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 - 4 4 = 16 होता है। ठीक है, और माइनस का क्या बच जाएगा बेटा, f इक्वल टू 0, तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो माइनस का 4g माइनस का f इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो बेटा याली ट्रम और याली ट्रम, इससे हमें क्या करना होगा, जी की वैल्यू या एफ की वैल्यू को निकालना होगा। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे 2 से, तो ये 2f हो जाएगा, यहाँ पे भी 2f हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर 6, तो क्या आ जाएगा, 2 - 8g माइनस का क्या आ जाएगा, 2f इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 7। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 आ गया आपके पास, इस 7 को क्या करेंगे,
ये 7 को इसके साथ ऐड करवा देंगे। इक्वेशन नंबर जो मेरे पास ये बना था 5, अगर दोनों को ऐड करवाएंगे तो f की वैल्यू कट जाएगी, 3 की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन खैर करना तो पड़ेगा ही। तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। 6 मेरे पास क्या है, 6 - 3g + 2f, तो लिख देता हूँ 6 - 3g + 2f = 0। जबकि 7 क्या है, 2 - 8g - 2f, तो क्या लिखूंगा, 2 - 8g - 2f = 0। ठीक है, तो यह इतना मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। इसको ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली आई टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। 6 में 2 को प्लस करो तो कितना बचेगा, 6, 7, 8। ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 8 किसके बराबर होता है, 8 है ना 9, 10, 11। ठीक है, 8 है ना 9, 10, 11, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 11g = 0। ठीक है, तो बेटा इस माइनस का 11g = के बाद ले जाओ तो 8 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 11g पॉजिटिव में जाके मल्टीप्लाई करवा दो तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/11, क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आता, तो मेरे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फाइंड आउट होकर आ जाएगी। जब g की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो अब क्या करना होगा, किसी इन दोनों में पुट कर दो तो f की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो लिख देना पुटिंग g बराबर है 8/11 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 6 की वैल्यू क्या है बेटा, 6 है, माइनस का 3g वैसे लिख दूंगा, प्लस का 2, सॉरी जी की जगह मुझे जी की वैल्यू पुट करनी थी, सॉरी मैंने वही लिख दिया, चलो मैं इसको मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 लिख देता हूँ माइनस 3, जी की जगह क्या हो जाएगा, 8/11 आ जाएगा, प्लस का 2 और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6 हो जाएगा, 3 8 से कितना होता है मेरे पास, 24 होता है, तो क्या आ जाएगा, 24/11 प्लस 2f = 0। ठीक है, इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, इसको भी उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो 2f यहीं पर रह जाएगा, माइनस का 24 था तो प्लस का क्या हो जाएगा, 24/11 हो जाएगा, ये प्लस का था वहाँ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। 6 को 11 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 24/66 आ जाएगा ना, 11/6 = 66, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करवा देते हैं तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। 2 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लायर में आगे डिवाइड हो जाएगा तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42, और नीचे 22 हो जाएगा, क्योंकि 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 22, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास f की वैल्यू क्या आ गई बेटा, f की वैल्यू आ गई 21/11। ठीक है, तो ये मेरे पास f की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। ठीक है, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, ये देख लो, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 66 था, तो ये भी माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास f की वैल्यू भी निकल गई, मेरे पास g की वैल्यू भी निकल गई। अब मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा, g f निकला हुआ है तो किसी भी c वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में या इस वाले में, तो मेरे पास c की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर मैं किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर आई थिंक सो ये 5 वाली इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 2 था, तो इसके अंदर ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज खुलना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा, g की जो वैल्यू है मेरे पास अभी फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू क्या थी बेटा, 8/11, जबकि f की वैल्यू मेरे पास क्या था, f की वैल्यू थी माइनस का 21/11, जबकि मेरे पास जो c की वैल्यू है वो मुझे अभी फाइंड आउट करना है। पुट कहाँ कर दूंगा इन दोनों वैल्यू को, इक्वेशन नंबर किस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना करना क्या है। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है 5 + 2g वाला, तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, 5 लिखता हूँ प्लस 2g की जगह क्या आ जाएगा, 8/11 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ उस वाले इक्वेशन में, माइनस का 4f, तो माइनस लिखूंगा, 4 लिखूंगा, f की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 21/11, और प्लस का क्या था, आई थिंक सो c था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का c, तो प्लस का जस्ट c लिख दूंगा, तो c की वैल्यू निकालनी है हमें, तो प्लस का c इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको सॉल्व करना होगा, अब हमें 5 लिखता हूँ, 2 8 जा कितना होता है मेरे पास, 2 8 जा 16/11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। ठीक है, तो 82/11
प्लस का सी इक्वल टू जीरो। बेटा इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास सी की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर में सॉल्व कर देना, 155/11। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास आ गई सी की वैल्यू। जब हमारे पास सी जी और एफ की वैल्यू निकल जाएगी तो इसको कहाँ पुट कर देंगे, आपके पास जो इक्वेशन नंबर आपने वन एज अ इक्वेशन पुट किया था उसमें जाकर के सारी वैल्यू करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम पुट कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, प्लस टू जी होता है तो जी की वैल्यू क्या है, 8/11 है। ठीक है, और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, प्लस टू एफ की वैल्यू क्या है बेटा, एफ की वैल्यू माइनस का 21/11 है, और क्या लिखा जाएगा, वाई प्लस सी की वैल्यू क्या है, 155/11, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जैसे इसको सॉल्व कर लूंगा तो आखिरी में जो इक्वेशन बन रहा है वो भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 28 से कितना होता है, 16/11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का किससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 42/11। y हो जाएगा प्लस 155/11 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। बेटा इन सब का एलसीएम लेने के बाद इससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11x का स्क्वायर 11y का स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 14y प्लस का 155 इक्वल टू जीरो, और नीचे इन सब के क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इस 11 को जाके जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा बेटा, 11x का स्क्वायर प्लस 11y का स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 42g प्लस का 155 इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब हो जाएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन खैर हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से, यहाँ से ये सवाल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट इस तरीके से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तभी इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं तभी मैं इसको क्या करता हूँ, पार्ट वाइज सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि तमाम चीज़ें बतानी होती है ना आपको। तो इस वजह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन क्लिक करना। चला आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। तो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, आपने इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना है। ठीक है, जबकि दो पॉइंट्स गिवेन है और वो टच किससे कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस से टच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस से टच कर रहा है। ठीक है, और इसके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, 1, -2, और दूसरा कॉमा क्या है, 3, -4 है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से टच कर रहा है। तो याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस से टच करेगा ना आपके पास कोई भी सर्किल के पॉइंट, तो क्या होता है, मेरे पास जो सी होता है ना वो बराबर हो जाता है किसके, जी स्क्वायर के। ठीक है, एक्स एक्सिस से करेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस होता तो सी किसके बराबर हो जाता, वो बराबर हो जाता एफ के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से टच करेगा तो जी का स्क्वायर, और अगर मेरे पास वाई एक्सिस से करता है तो एफ का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जी एक्स के साथ होता है कोफिशिएंट। तो ये इस तरह से आप क्या करोगे, लिखोगे। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे, जनरल इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले तो लेट कर लेना, एज वी नो डैट, यहाँ पे लिख देना एज वी नो डैट, हमें मालूम है इफ एक्स इफ सर्किल टच द एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख देना इफ, यहाँ पे मेरा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता इफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर के। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या कर लोगे, लेट कर लोगे। जनरल इक्वेशन जो होता है मेरे पास सर्किल की, वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन जब टू पॉइंट्स या टू पॉइंट से ज़्यादा होता है तो मेरे पास उसका लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। ठीक है, ये जी एक्स के साथ था तभी मैंने इसको लिया। ठीक है, प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। इसी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास पहला पॉइंट है उसको यहाँ से पास करवा देंगे, फिर सेकंड पॉइंट को भी पास करवा देंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, कर लेते हैं, और लिखता हूँ मैं कि फर्स्ट वी विल पुट, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पुट कर रहे हैं कि x बराबर है किसके, 1, एंड y बराबर है -2। x बराबर है 1, y बराबर है -2, इन इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर 1,
जबकि मेरे पास क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा किसके, जी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी भी किसके बराबर है, जी स्क्वायर के। तो पुट करके देख लो, एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, वन आ जाएगा, प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस टू लग जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास जी ही लिखा जाएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, वन लिखा जाएगा, प्लस टू लिख दूंगा, एफ लिख दूंगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, और बेटा सी क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। अब क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, टू टू का क्या हो जाता है, फोर हो जाता है, टू वन का कितना हो जाता है, टू हो जाता है, ठीक है, और जी हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, टू टू का क्या हो जाएगा, फोर एफ हो जाएगा, और प्लस का जी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, बेटा ये फाइव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का टू जी, प्लस का क्या हो गया, 2g हो गया, माइनस का 4y हो गया, प्लस का g स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, सेकंड वाली जो टर्म है मेरे पास उसको करना होगा, सेकंड टर्म क्या है, 3 कॉमा माइनस 4, इसको पुट करना होगा किसके अंदर, इसी वाली इक्वेशन के अंदर। पुट कर लेते हैं उस वैल्यू को, तो मेरे पास क्या वैल्यू बेटा, 3 कॉमा माइनस 4, तो क्या लिखता हूँ, 3 कॉमा माइनस 4, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 3 है और किसके साथ, c बराबर है किसके, जी स्क्वायर के। इन इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या बेटा, ये है, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2 जी, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, दोबारा से 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान, 2fy की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c की जगह क्या आ जाएगा, g का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 3 6g हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का 8f हो जाएगा, प्लस का g स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, 25 प्लस 6g माइनस का 8f प्लस का जी स्क्वायर और इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये सवाल सेफ हो गया। अरे वो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, 3 इक्वेशंस मालूम कर लिया, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों में कुछ ऐसा करना होगा, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होगा, तो मैं f को चाहता हूँ कैंसिल आउट करना। तो बेटा अगर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को किससे, 2 से। तो 2 5 का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, प्लस 2 2 का कितना होता है, 4g हो जाता है, 2 4 का कितना होता है बेटा, 8 होता है, तो 8f हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2g का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर कौन सा था, ये 2 था, यहाँ लिख भी दिया करो ताकि पता चलेगा आप लेके कौन सा आयो। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा एक दूसरे से, ताकि 8 से 8f कैंसिल आउट हो जाए। तो लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो कैसे सब्ट्रैक्ट होता है बेटा, मैं दोनों को उधर लिख देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ, ताकि ना आराम से ना काम हो सके ना। यहीं पर सामने ये लिखा हुआ है सवाल, यहीं से देख करके क्या करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा है, 3 ऊपर लिखा हुआ है और मेरे पास 4 ये रहा, ठीक है। तो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है मेरे पास 3 में, 25 प्लस 6g माइनस का 8f प्लस का g स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 4 है वो क्या है मेरे पास, 10 है, ठीक है, क्या है मेरे पास, 10 है, प्लस का 4g है, ठीक है, प्लस का 4g माइनस का 8f प्लस का, सॉरी मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ, माइनस का 8f प्लस का 2g का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म है 10 प्लस माइनस 8f, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, अगर 25 में से 10 जाएगा तो मेरे पास 15 बचेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का ही बचेगा मेरे पास, 2g बचेगा, ठीक है, और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एक माइनस में एक प्लस में, तो कैंसिल आउट बेटा, एक में से 2 जाएगा
तो कितना बचेगा माइनस का जी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, ये जी का स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना, इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो जी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का टू जी हो जाएगा, और ये इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने यह टर्म लिख करके दिखा दिया। अब इसका क्या लेना है, मिडल टर्म ब्रेक लेना है। ठीक है, क्या लेना है, मिडल टर्म ब्रेक लेना है। तो मिडल टर्म ब्रेक लेना है इसका बहुत ही आसान है, कैसे, देखो g का स्क्वायर माइनस अगर मैं लिख दूं किसके साथ, अगर मैं इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लूं लाइक अगर मैं 5g कर दूं और प्लस का 3g कर दूं, ठीक है, 3 5 15, 3 में से 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, बिल्कुल सही, और माइनस का 15 इक्वल टू 0। बेटा इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा g माइनस 5, ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 3, तो क्या बचेगा g प्लस माइनस माइनस 3 5 15 इक्वल टू 0। तो मेरे पास बेसिकली g की ही वैल्यू निकालनी थी, तो मेरे पास g की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक g माइनस 5 आ गई और g प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। अगर इस g की वैल्यू निकालना चाहते हो, g माइनस 5 इक्वल टू 0 और g प्लस 3 इक्वल टू 0, आइडर और कर लोगे तो क्या आ जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस का 5 और g की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3। तो दो वैल्यू g की आई है, ठीक है, अब मुझे f की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और c की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा है, जी की वैल्यू निकाला है और इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देता हूँ, 4 तक हो गया था ना, इक्वेशन नंबर 5 हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफ निकालना बहुत आसान तरीका है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में बेटा आप जी की वैल्यू पुट कर दोगे तो एफ खुद ब खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर, ये जो मेरे पास 3 था ना, हाँ ये वाला इक्वेशन मेरे पास 3 था, ठीक है, तो 3 के अंदर क्या कर रहा हूँ, g की वैल्यू के करके पुट करता हूं, तो लिखता हूं f g बराबर है 5 के इन इक्वेशन नंबर, कहां पुट करके देखता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 तो मेरे पास यही था 25 वाला, तो क्या लिखूंगा 25 प्लस 6 g की जगह क्या आ जाएगा, g की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, तो मैंने 5 लिख दिया माइनस 8f वैसे ही लिख दूंगा, प्लस g की जगह क्या आ जाएगा दोबारा से 5 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है, f की भी बेटा दो ही वैल्यू निकलेगी, इस चीज़ को याद रखना, हर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास दो आएगी, क्योंकि मेरे पास g ही मेरे पास दो है, ठीक है। तो चलो आज पुट करके देख लेते हैं, 25 हो गया प्लस 6 5 से कितना हो जाता है 30 हो जाता है, माइनस का 8f हो जाएगा, 5 5 से कितना हो जाता है 25 इक्वल टू 0, ठीक है, 25 25 तो 50 हो गया, प्लस का क्या हो गया 30 हो गया, ये माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 8f हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8f हो जाएगा, जाके डिवाइड करवा दो तो 80 / 8 इज इक्वल टू f, 8 10 80, तो मेरे पास f की वैल्यू क्या आ गई 10 पॉजिटिव में। मैं एक बार मैं वो शो देख भी लेता हूँ कि मेरे पास f की वैल्यू 10 आ रही है, जी बिल्कुल f की वैल्यू 10 आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, g की वैल्यू 5 पुट करता, अब g की वैल्यू क्या पुट करूँगा माइनस 3 पुट करूँगा इसी वाली ही इक्वेशन के अंदर, और देखूँगा कि f की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, क्योंकि मुझे पेजेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ इस पेज को यहीं पर रहने देता हूँ और इसके आगे से काम करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपके सामने ही लिखूंगा कि f g बराबर है किसके माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 का ना पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास यही था, तो 25 लिखूंगा प्लस लिखूंगा 6 लिखूंगा, 5 की जगह क्या पुट कर दूंगा माइनस 3 पुट कर दूंगा, माइनस का 8f कर दूंगा, और इस 5 की जगह क्या पुट कर दूंगा माइनस का 3 पुट कर दूंगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें वैल्यू क्या आ रही है, तो 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, माइनस का 8f हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 25 माइनस का 18 प्लस का 9, और ये बेटा माइनस का 8f इक्वल टू क्या जाएगा प्लस का 8f हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिखा, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही हो क्या आ जा रही है 16 और 8f, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई है बेटा, एक मेरे पास g की दो वैल्यू आई है 5 3, ठीक है, और मेरे पास f की वैल्यू है 10 और माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो मैं एक जगह लिख ही लेता हूँ सारी वैल्यू को, ठीक है। g की वैल्यू जो थी वो मेरे पास क्या थी, g की वैल्यू है 5 है और माइनस 3 है, जबकि f की जो दो वैल्यू आई है वो क्या आई है 10 और 2 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है वैल्यूज़ को, ताकि पता चल सके कि मेरे पास आ क्या आ रही है। जी जब मेरे पास 5 था तो मेरे पास माइनस 3 है, ठीक है, और 10 और 2
2 है। मैंने दोनों वैल्यूज को आपके सामने लिख करके क्या कर दिया है, दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, अब मुझे एक और वैल्यू निकालनी है जो कि मेरे पास किसकी है, सी की वैल्यू है, ठीक है। अब सी की वैल्यू किस तरह से निकाला जा सकता है ये तुम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मालूम है सी बराबर था जी के स्क्वायर के, ठीक है। सी बराबर था जी के स्क्वायर के, तो जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक 5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, तो मतलब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी एक, और एक और मेरे पास क्या था सी की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। तो सारी वैल्यूज निकाल लिया मैंने, यहाँ पे जी की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को एक एक करके क्या करोगे, इस क्वेश्चन नंबर जो मेरा यहाँ सियाला होगा इसके अंदर पुट करोगे और बताओगे इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके मुझे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिखकर बताना, ठीक है। जो पहले इक्वेशन के लिए जो मेरे पास वैल्यूज आई थी उस वैल्यूज को पूरा पुट करोगे, मतलब 5 पुट करोगे, जब 5 पुट किया तो क्या आया बेटा 10 आया, और फिर क्या कर क्या 25 आ गया, मतलब इस तरीके से जी की वैल्यू 5, फिर इसका लिखोगे एफ की वैल्यू क्या है 10 और सी की वैल्यू 25, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, बताओगे क्या इक्वेशन बना, फिर सेकंड टर्म में क्या लिखोगे बेटा जी की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, एफ की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 9, इसको पुट करके बताओगे कि क्या वैल्यू आई है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा कितने आसान तरीके से। तो चलो आ जाओ इसका, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ वाले पेज में आ गया था मैं, ठीक है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन फिर मेरे पास ये वाली टर्म थी, ठीक है। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल, आपने वही इक्वेशन मालूम करना है जबकि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और एक लाइन से टच करते हुए जा रहा है, लाइक इस तरीके से कि एक मेरे पास सर्किल है, ठीक है, उस तरीके से, जो कि क्या है मेरे पास एक पॉइंट तो ये है जो कि 6.0 है, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है 4.4 है, जो कि इस वाई इस लाइन से टच करते हुए, एक्स बराबर है वाई के, इस लाइन से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो आपने इसका इक्वेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट कर लोगे कि मेरे पास एक जनरल इक्वेशन जो होती है सर्किल की वो लिख लेता हूँ, जनरल इक्वेशन जो मेरे पास सर्किल की होती है मैं वो जस्ट लिख लेता हूँ पहले, कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जब मेरे पास ये टर्म हो जाएगी, सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले सर्किल का ना स्लोप निकाल लेना होगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है इक्वेशन, एक्स बराबर है वाई के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई को इधर ले जाऊंगा, तो माइनस का वाई हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना एम वन की वैल्यू जब ऐसी इक्वेशन लिखी हुई तो माइनस का एक्स कोफिशियंट और माइनस का वाई कोफिशियंट होता है ना, तो माइनस का यह हो जाएगा था एक्स कोफिशियंट, ये जो मेरे पास फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 7 के अंदर उसके तहत निकाल रहा हूँ, और वाई कोफिशियंट ये याद आ रहा होगा आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस का निशान वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, एक्स का कोफिशियंट 1 था तो 1 लिख दिया, वाई का कोफिशियंट माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। तो एम वन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, फाइंड आउट होकर के आएगी, M1 बराबर हो जाएगा किसके 1 के। तो M2 निकालना है बेटा, M2 कैसे निकलेगा, M2 बेटा ये जो सेंटर है इस लाइन के साथ, ठीक है, इस जो मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है ना ये 4.4, यहाँ से तो माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ जो है वो इस पॉइंट के साथ मेरे पास क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर एक सेंटर निकल, ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये लाइन एक्स कॉमा वाई का स्लोप M1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। तो M2 निकालने के लिए फॉर्मूले का लगाऊंगा Y2 माइनस Y1 और नीचे क्या हो जाएगा X2 माइनस X1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि X1 की वैल्यू क्या है, Y1 की वैल्यू क्या है और X2 की वैल्यू क्या है और Y2 की वैल्यू क्या है, मुझे मालूम होगा। तो बेटा X1 की वैल्यू माइनस जी माइनस एफ, तो क्या लिखूंगा माइनस का जी माइनस का एफ, X2 की वैल्यू क्या हो गया था 4.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4, तो वैल्यू पुट करके देख लो क्या आ रही है मेरे पास। तो M2 की वैल्यू आ रही है बेटा Y2 की वैल्यू है मेरे पास 4, माइनस का निशान Y1 की वैल्यू क्या है माइनस का एफ है, तो क्या लिख दूंगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का एफ हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है X2 मेरे पास क्या है, X2 की वैल्यू बेटा 4 है और माइनस का X1 क्या है मेरे पास जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का जी, तो मेरे पास ये वैल्यू कुछ बन करके आ रही है M2 की, ठीक है। तो याद रखना क्योंकि मेरे पास
ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है, मेरे पास जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम वन एम टू बराबर होता है किसके, माइनस वन के। एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर अगर मेरे पास कोई लाइन हो तो उसका जो स्लोप होता है वो किसके कंडीशन होता है, एम वन एम टू बराबर होता है माइनस वन के। तो एम वन की वैल्यू क्या है, मेरे पास वन है, जबकि एम टू की वैल्यू क्या है, फोर प्लस एफ अपॉन फोर प्लस जी है, और ये किसके बराबर बेटा, माइनस वन के। बेटा ये प्लस का फोर प्लस जी, ये मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिटरम आ जाएगी। मैं लिखकर दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आएगा ये, कि यहाँ पे तो फोर प्लस एफ वैसे ही रह जाएगा, यह लिटरम उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का फोर माइनस का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करोगे, अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश कर दिए, प्लस का फोर ये भी उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस का फोर माइनस का फोर माइनस का जी, मतलब माइनस का एट माइनस का जी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टर्म आ जाएगी, या फिर तुम इसको एफ बोल सकते हो या जी बोल सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है, तो मैंने इसको एफ के बराबर ले लिया है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म एज अ सॉल्व हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा, टू का नाम दे दूंगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू ये हो जाएगा। अब तक हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और एफ की वैल्यू को क्या कर लिया है, एज अ सपोज कर लिया है कि मेरे पास एफ की वैल्यू ये आ रही है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, चलो आ जाओ कर लेते हैं काम। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे जो ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है ना, 6.0 और 4.4, इस वाली लाइन से पास करवा दूंगा जैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 6.0, मेरे पास 6.0 था ना, जी बिल्कुल 6.0 था। तो 6.0 को अगर मैं पास करवाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह 6 की जगह स्क्वायर प्लस y की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स होता है, तो g वैसे ही जगह x की जगह 6 हो जाएगा प्लस 2 एफ वाई की जगह 0 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, ये 0 हो जाएगा, 2 6 6 2 12 हो जाएगा, ये g हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, इसकी निकल करके आ गई है। ठीक है, क्योंकि आगे ये सॉल्व होगा भी नहीं, तो एक इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दोगे, 3 का नाम दे दोगे। अब नेक्स्ट वाला जो था मेरे पास क्या था बेटा, 4.4, इसको भी पास करवा दोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन नंबर लिख देना, ठीक है, पता चलता है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वाई का हो जाएगा, वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2g, फिर दोबारा से 4 होगा प्लस 2f, फिर 4 होगा और प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16 4 4 16 2 4 8g 2 4 8f, ठीक है, प्लस का c इक्वल टू 0, तो 16 प्लस 16 16 16 कितना हो रहा है मेरे पास, 32 हो जाता है। ठीक है, 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई है और यहाँ पे मेरे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, और ये मैं तीनों इक्वेशन को ना एक साथ लिख देता हूँ ताकि ना मुझे दिख जाए ना कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे f जो है वो बराबर था माइनस 8 और माइनस किसके, g के। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर ये भी है एक मेरे पास। ठीक है, जो पीछे था ना मैंने यहाँ लिख दिया ताकि ना सामने हो ना, तो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसमें से वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब कि किसी तरीके से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करवा देता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ माइनस करवा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास क्या आती है वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर f तो है नहीं, अगर यहाँ पे मैं f की जगह वैल्यू लिख दूँ माइनस का 8 माइनस का g, तो मेरे पास फिर भी c की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सोच के ही करना है ना, क्योंकि साथ साथ हम कर रहे हैं सॉल्व और साथ साथ इसको बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो 36 प्लस का 12g प्लस का c, ठीक है, लिख दिया मैंने, और यही जो टर्म है इसको भी लिखना पड़ेगा मुझे, c यहीं पर लिख देता हूँ प्लस 8f तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन हाँ 8g है ज़रूर,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। और एक और जो टर्म है वो कौन सी बेटा, 8F है, उसको मैं वैसे ही पहले लिख देता हूँ, तो उससे कोई मसले की बात है नहीं, मैंने पहले लिख दिया। माइनस 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 माइनस, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, यही टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस का 8F तो वैसे ही उतरेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा तो भी क्या बचेगा मेरे पास, प्लस का 4G बच जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली वैल्यू क्या बच रही है, 4G, ठीक है, माइनस का 8F और प्लस का 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाली मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर क्या करूं बेटा, अब ये वाली वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा, 5 दे दूंगा, ठीक है। ये 5 हो गया, अगर मैं एफ की जगह ये माइनस का 8 वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास जी की वैल्यू खुद खुद ही निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है ना एफ बराबर है किसके, माइनस 8 माइनस जी के। तो लिख देता हूँ पुट एफ बराबर है किसके, माइनस 8 माइनस जी, इन इक्वेशन नंबर किसके, 5 में पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जी की वैल्यू खुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो 4 लिखूंगा, जी लिखूंगा, माइनस 8 लिखूंगा, एफ की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 8 माइनस का जी, ठीक है, प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने लिखकर दिखा दिया, तो 4G तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 64, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 8G से क्या हो जाएगा, 8G हो जाएगा, और प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 4G है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद 8G है, और फिर इसके बाद मेरे पास इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो बेटा 8 + 4 12 होता है, तो 12G हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, और प्लस का 4 तो 68 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो 64 को डर ले जाओ इक्वल टू के बाद, तो मेरे पास यहाँ ही पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 12G यहीं पर रहेगा, माइनस का 68 हो जाएगा, ठीक है, और जी को डिवाइड कर देंगे माइनस के 68 के 12 से, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है, फिर 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2 7 14, तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस का 17/3, ठीक है। कैलकुलेटर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ रही है, जी की आ रही है, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, हाँ मेरे पास यही आ रही है, माइनस का 17/3। तो बेटा जब मेरे पास जी की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एफ की वैल्यू निकालनी होगी, तो जी की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा, एस माइनस का 17/3, तो मेरे पास जो एफ की वैल्यू बताऊँ क्या आ जाएगी, मैं लिख कर देख लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ ये वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 7/3, ठीक है। तो मेरे पास एफ की जल्दी लिख कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि एफ की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी जब मैं इस वाले इक्वेशन का पुट कर दूंगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर लेना, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर लेना जी की वैल्यू को, तो सी की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो सी की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे पास सी की वैल्यू जो फाइनल निकलेगी वो क्या होगी, 32 होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी वैल्यू बता दिया, जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू और 32 कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 1 का है मेरे पास ये वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे सवाल सॉल्व करवाने, तो ये क्या हो गया, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से इस सवाल का बेटा स्क्रीनशॉट आप यूं करके ले सकते हो, और मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ पुट करके निकालना है। जब एक वैल्यू निकाल देते हो ना, तो बाकी वैल्यूज निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत आसान से ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस बताना है ये सेंटर है मेरे पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हमें मालूम है, और ये एक्सिस किससे, एक्स एक्सिस से टच कर रहा है, तो मतलब मुझे मालूम था सी की वैल्यू क्या होता है, जी का स्क्वायर, और अगर मेरे पास क्या हो, एक्स एक्सिस से क्या करे, ये टच करे, ठीक है। अगर यही चीज वाई एक्सिस से टच करे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, तो मैंने बताया था कि अगर वाई एक्सिस से टच करता है तो मेरे पास क्या होता है, सी बराबर होता है एफ स्क्वायर का, ठीक है। तो यही बताना है इसमें कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से टच करने वाला है, तो मतलब मेरे पास वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, एक्स की वैल्यू एक्स होगी जबकि वाई की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे क्या होगा, वाई से एक्सिस से कर रहा है तो मेरे पास एक्स 0 होगा जबकि वाई की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास वाई होगी, ठीक है, जबकि सेंटर मेरे पास यही है माइनस का जी और माइनस का एफ। तो आप क्या करोगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0,
ठीक है, जनरल इक्वेशन होता है। अगर एक्स एक्सिस से कर रहे हैं तो क्या करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखूंगा, वाई स्क्वायर वैसे ही लिखूंगा, सेंटर की जो वैल्यू होगी माइनस जी और माइनस एफ, तो यहाँ पे उसकी जगह मतलब एक्स और वाई की जगह क्या पुट करूंगा मैं, एक्स की जगह एक्स ही पुट हो जाएगा, लेकिन वाई की जगह क्या हो जाएगा बेटा, जीरो पुट हो जाएगा, और प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो जरा इसको देख लो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, ठीक है, प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, सेम आ गए, दैट्स मीन हमारा आंसर सही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर वाई एक्सिस से टच कर रहा है तो जनरल इक्वेशन मुझे मालूम था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो, जबकि सेंटर जो है इसका वो क्या होगा, माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ, ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों सेंटर के कोफिशियंट के साथ लिखाता है, तो मैं उसी में जगह लिखूंगा, ठीक है। तो अब पुट करके देख लेते हैं, जीरो कॉमा वाई, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर तो वैसे टल गया, जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, प्लस टू एफ वाई की जगह क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एफ वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हैंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, कुछ करना नहीं था, बस जस्ट यही बताना था कि किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। जब मैंने ये वीडियो बना ली थी ना, तो फिर मुझे पता चला कि मेरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई है इस वाले सवाल में। तो देख लें, इसमें आपने इक्वेशन मालूम करना है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, मैं 0.0 लिख दिया, सेकंड वैल्यू जो मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या है, 0.6.0 है, ठीक है। तो ऐसा आगे आवाज़ पीछे होगी, क्योंकि मैंने इसको वीडियो देखने के बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास 0.8 हो जाएगा इसका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। आप एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन मालूम करना है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसी वाले इक्वेशन के तहत क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन फॉर्म होती है उसी इक्वेशन को लिखेंगे, और एक एक करके ओरिजिन की और 6.0 और 0.8 तमाम को वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना होगा, अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ, तो 0.0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 0 का स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, देन ये भी 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी 0। तो ये मैंने क्या कर लिया, सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा, अब 6.0 पुट करके देखूंगा, लेकिन सी भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ताकि डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, जी और एफ की। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2g, और फिर इसका दोबारा 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर प्लस ये फिर क्या हो जाएगा 2f0 हो जाएगा, और प्लस c जो था 0 था, तो पहले जो है 0 इक्वल टू 0। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6 × 36, और ये 12g हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 12g इज इक्वल टू 36 अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस का था, और नीचे जाके 12 डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी माइनस का 3। तो g की वैल्यू माइनस 3 आ गया। इसी तरह से मुझे f की वैल्यू निकालना होगा, तो f के लिए मेरे पास जो 0.8 है ना, मैं उस वैल्यू को पुट करूँगा, और c की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास f की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो चलो आ जाओ, 0.8 लिख लेते हैं, और c बराबर है किसके, 0, कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो c का स्क्वायर x का स्क्वायर 8 का y का स्क्वायर 2g0 प्लस 2f और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस c का c इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 64, और 2 4 16 2 8 16 और f हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं यहाँ से इसको माइनस करवा देता हूँ, माइनस का 64 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास
प्लस सॉरी माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो f की वैल्यू माइनस का 4 आ गया, ठीक है। जब f की वैल्यू, c की वैल्यू और उसकी वैल्यू निकल जाएगी तो सारी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो मुझे मालूम है c बराबर है 0 के, g बराबर है माइनस 3 के और f बराबर है माइनस 2 के, 4 के बराबर था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो वैसे लिखा जाएगा 12 आ गया 2g और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, g की जगह माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और x लिखा जाएगा प्लस 2f की जगह माइनस 4 और y लिखा जाएगा प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 0। तो इसको सिंपलीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 2 4 8y और प्लस इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। हमने इसको सॉल्व कर लिया, चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया और मेरे पास b की वैल्यू जो है वो क्या है, बी कॉमा 0 से इसको पास करते हैं तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा प्लस 2 जी बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो जी बी लिख दिया, प्लस ये भी 0 हो जाएगा और प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन रहा है, b का स्क्वायर प्लस 2 जी बी प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। उसी तरह से माइनस बी कॉमा 0, ठीक है। तो माइनस बी लिखूँगा, कॉमा 0 लिख दूंगा, ठीक है। यहीं से पुट करूँगा तो माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा और 2g वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या आ जाएगा, 0 फिर प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ज़रा इसको लिख लेते हैं, बी का स्क्वायर क्या होता है, बी का स्क्वायर ही होता है प्लस माइनस माइनस का 2gb हो जाएगा और प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, g की, f की और c की, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर मैं इक्वेशन नंबर इसको और इसको ऐड करवा दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यही टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और b प्लस सी की कोई वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा बेटा, b का स्क्वायर प्लस 2gb प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर माइनस का 2gb प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा यही टर्म कैंसिल आउट हुई, तो ये 2b का स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। यही टर्म मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करोगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, बी का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। 2 को जाके मल्टीप्लाई करवा दो तो 0 हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, सी के माइनस सी के। तो ये भी बोल सकते हो कि सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, माइनस बी के स्क्वायर के, ठीक है। तो अभी हमने फ़िलहाल ये निकाला है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू जब निकल जाएगा तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना होगा बेटा, यहाँ पर बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ लाइक जी की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकल सकता है, लिख लेते हैं, सी की जगह क्या लिख दूंगा, बी का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा, 2 का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2gb है और प्लस सी की जगह बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर प्लस 2gb और माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस बी का स्क्वायर था बेटा, प्लस का माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 2gb हो गया। तो कुछ भी करोगे तो जी की वैल्यू क्या आना होगा बेटा, 0 ही आएगा। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब मुझे किसका निकालना है बेटा, एफ़ निकालना है। तो एफ़ निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया था, रेडियस किसके बराबर है, ए यूनिट के, ठीक है। तो रेडियस जो होता है मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, आर का स्क्वायर बराबर होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। आपने शुरू में सॉल्व किया होगा, जबकि बोला गया है कि मेरे पास जो आर है ना वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, रेडियस जो है वो किसके बराबर है, ए के। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ए बोल दूंगा, ठीक है। ए का स्क्वायर यहाँ पे जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर तो कोई मसले की बात नहीं है। सी की वैल्यू भी मुझे मालूम है, जो कि क्या है बेटा, माइनस का भी, और जी की वैल्यू भी मालूम है, मुझे मालूम है 0 है। तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 और प्लस एफ का स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ होता है वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, एफ़ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बेटा उठा के उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर
और यहाँ पे क्या हो जाएगा f का, मुझे f की वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है रूट लगा दो, तो क्या आ जाएगा f की वैल्यू बेटा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को f की वैल्यू, g की वैल्यू और बेटा मेरे पास जो c की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज पुट करके देखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, प्लस का निशान, ठीक है, टू लिखते हैं, जी की वैल्यू क्या आती है ज़ीरो, तो क्या लिख दूंगा ज़ीरो और उसके बाद क्या लिख दूंगा एक्स, ठीक है। फिर प्लस का निशान, बेटा एफ़ की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस में ही आई है ना, तो मैं क्या करता हूँ टू तो वैसे ही लिखता हूँ, ब्रैकेट लगा करके प्लस माइनस लिख देता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही थी ना। प्लस सी की वैल्यू क्या आती है बेटा, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो। बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस बचेगा टू, यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट में ही लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्या टू से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, अगर टू से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ योर आंसर और हमने क्या कर लिया इसको भी सॉल्व कर लिया। अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम टू सेम वही है, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5,0 एंड 0,-5 हुज द रेडियस इज 5 यूनिट। तो बहुत आसान सा सवाल, आपको पता था मैं लेट करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे पास 2gx होता है प्लस 2fy होता है प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ। फर्स्ट आप क्या करोगे 5,0 को इससे पास करवाओगे, फिर क्या करोगे बेटा 0,-5 को इससे पास करवाओगे और आखिरी में क्या लिखोगे, जो मैंने बताया था कि r का स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा g के स्क्वायर और मेरे पास क्या होगा बेटा प्लस f का स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो जो g की वैल्यू होगी जो c की वैल्यू होगी उसको पुट करोगे और इसकी जगह 5 पुट करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा f की वैल्यू निकल जाएगा, जैसे मैंने वाला क्वेश्चन करवाया ना इससे पिछला वाला, सेम वैसे सॉल्व होगा। इसको बेटा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि इसका इक्वेशन आपने क्या बनाया है ताकि पता तो चल सके कि आप भी सवाल सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा ये चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और 8.3 अगर चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।